पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पुत्र की स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आज हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं खुशी और आनंद मनाएं, क्योंकि आज समस्त कलीसिया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने इस स्थान में उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त को पावन शरीर के रूप में, यूक्रिस्त के रूप में अपने बीच में उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, ताकि हम सभी उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, उनकी संगति में रहें, उनसे बातें करें और उनके साथ अपना समय व्यतीत करें। हम सभी गुणगान करते हुए प्रभु के सम्मुख आएं, स्तुति गान गाते हुए हम प्रभु का जयघोष करें, क्योंकि हमारा प्रभु सभी देवताओं में उच्च स्थान में है। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है और आज इस स्थान में हमारे हृदयों का राजा प्रभु यीशु क्रिस्त है। हम सभी इस आराधना के माध्यम से अपने प्रभु क्रिस्त को अपने हृदयों में, अपने दिलों में प्रवेश करें। हम एक गीत के द्वारा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने सम्मुख लाएं, क्योंकि हमारा प्रभु महान है और हमें अपने प्रभु की आराधना, प्रशंसा और महिमा गाना है। आज संपूर्ण कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त को स्मरण कर रही है, क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम मानव कलीसिया के लिए दो संस्कारों को स्थापित किया। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि वे आज के बाद इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया से दूर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने पुरोहितों का स्थापना की। उन्होंने पुरोहितों की स्थापना इसलिए की कि उनके जाने के बाद वे हम सभी के बीच में पुरोहितों के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं। आज ही के दिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने परम प्रसाद की स्थापना की। उन्होंने अपने शरीर की स्थापना की, जो शरीर उन्होंने हम सभी के पापों के लिए अपना क्रूस पर बलिदान दिया, उसी प्रकार उन्होंने हम सभी के लिए आज ही के दिन में परम प्रसाद की स्थापना की। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त को नमन करें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं और अपने पापों की क्षमा मांगें, ताकि सच्चे हृदय से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को स्वीकार करें। प्रभु महा विचारे कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गरज भयंकर मामर तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महा कितना महा प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महा कितना महा बने के भी मैं तराई मध्य विचरूं
मधुर संगी मैं चिड़ियों का सुनूं पहाड़ विशा से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महा कितना महा प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महा कितना महा जब सोचता हूँ कि पिता अपने पुत्र को मरने भेजा है वर्णन से अपा क्रूस पर उसने मेरे पाप सब देकर बहाया कि मेरा हो उद्धार प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महा कितना महा प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महा कितना महा प्रभु महान परमेश्वर है वह समस्त देवताओं के ऊपर महान राजा है उसके अधिकार में पृथ्वी के गहरे स्थान हैं पर्वतों के शिखर भी उसी के ही हैं क्योंकि आपने सिनाई पर्वत के ऊपर विराजमान किया था इसलिए आप सर्वोच्च ईश्वर हैं जल भी है आपका क्योंकि आपने इसे बनाया है थल अतः संसार की रचना भी आपके हाथों से की गई थी आओ हम सभी उनके चरणों में झुकें और उनकी आराधना करें अपने निर्माता प्रभु परमेश्वर के सामने घुटने टेकें क्योंकि यही हमारा परमेश्वर है और हम सभी उसके चारागाह की भेड़े हैं उसके अधिकार की भेड़े हैं आपने इस संसार को बनाया है आपके द्वारा ही इस संसार के लिए जीव जंतुओं सभी पक्षियों का निर्माण किया गया है अभी हम सभी हमारे राजाओं के राजा की आराधना एक और मधुर गीत के द्वारा करेंगे तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा करे जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा करे जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तू ही महा सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महा सशक्तिमा
तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के तार छेड़े शंका, हृदय के तार छेड़े शंका, तेरी आराधना है मधुरगी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम ना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दीती, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया तेरी ही महिमा करा, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा करा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद कारा, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया किया चिना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में प्रवेश करने देता है। इस समय हम सभी से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाता है। क्या हम जो यहाँ उपस्थित हैं, जो उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, अपने एकमात्र राजाओं के राजा में विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं? शायद नहीं। हम सभी सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने राजाओं के राजा को भूल जाते हैं, उनकी जगह अन्य देवी देवताओं को अपने जीवन का राजा, अपने परिवारों का राजा, अपने इस पल्ली के राजा को बनाते हैं और उनके अनुरूप, उनके वचनों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। हे प्रभु, हम इस पल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि माता के गर्भ में लाने के पहले आपने हम सभी को चुना और 2020 वर्ष पहले अपना बहुमूल्य रहु बहाकर सारी मानव जाति को नया जीवन दिया है। अभी स्वयं यहाँ उपस्थित होकर हमारे पिछले सभी पापों को क्षमा करके अपनी पवित्र हथेली में हमारा चेहरा अंकित किया है। हम सभी को नाम देकर अपनी उपस्थिति में बुलाया कि कुछ पल हम आपकी पवित्रता एवं सत्यता में समय व्यतीत करें। राजाओं के राजा प्रभु, अपनी प्रजा को अर्थात हमें ज्ञान दीजिए, ताकि हम सभी अपने को आपका ही समझें, क्योंकि आप जीवन दाता हैं, आपने हम सभी को जीवन दिया है, हम सभी को आपने लहू देकर खरीदा है, और हम सभी गरीब और अमीर एक परिवार में
भाई बहन की जैसे हैं, इसका मतलब हम सब एक हैं। आज आपने अपने वचनों के माध्यम से अपनी कलीसिया को संबोधित किया कि पिता अपने पुत्र का रूप धारण करके इस मानव जाति के उत्थान के लिए इस संसार में आए। और आपके आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि दाऊद के सिंहासन में विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करें, क्योंकि सैमुएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 7 वाक्यांश 16 में दाऊद ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उनका सिंहासन अनंत काल तक बना रहेगा। अर्थात प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे वंश को युगानिन बना रखूंगा। हम सभी जो इस संसार में अभी वर्तमान में जो बीमारी फैली हुई है, जो कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे संसार भर में है, हम यह जानते हैं कि इस बीमारी के कारण शायद प्रभु हमें नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, ऐसा नहीं है। प्रभु दयालु हैं, प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं, प्रभु हम सभी को अपने पुत्र पुत्रियों के जैसे समझते हैं, क्योंकि उन्हीं ने ही हम सभी का निर्माण किया है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हम अपने विश्वास में मजबूत हों ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के विश्वास को देखकर हम सभी के पापों को क्षमा करके हम सभी को इस कोरोना वायरस महामारी से बचा सकें और हम सभी उनकी इस कार्य को दूसरे लोगों के सामने बता सकें ताकि उनका विश्वास भी मजबूत हो सके। प्रभु आप हम सभी को अपनी तरह दीन दयालु बनाइए, क्योंकि आपने दीन होकर चरनी में जन्म लिया जबकि आपका वंश राजाओं का था। हमें ज्ञान दीजिए जिस प्रकार आपने राजा होकर सभी राज्य के सम्मान को ठुकराया, सूरवीर बनकर किसी का सर्वनाश नहीं किया, और आज के दिन आपने अपने चेलों के पैरों को धोया और हमें यह बताया कि हमें इस संसार में दास बनना है। यदि हम अपने को दास समझते हैं तभी हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आज के दिन में आपने हमें यह बताया है कि अपनी जान देने से बढ़कर हमारी दोस्ती का कोई प्रमाण नहीं है, और वही प्रमाण आपने हम मानव जाति को दिया है ताकि हम भी एक दूसरे के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर सकें, क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है। और यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपनी जान देने का हक होता है। हम आपको अपने जीवन का सच्चा राजा बनाएं ताकि हम सुख शांति को प्राप्त कर सकें और पवित्रता एवं सत्यता में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि संत मती के अध्याय 20 में हमें बताया जाता है कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया था, और वही प्रमाण हम सभी को अपने जीवन में लाना है, अपने प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में रखना है ताकि हम भी
उनके समान कार्य कर सकें, उनके समान दूसरों की सेवा कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, अहंकारी थे, पापों में सोए थे, तभी आपने अपने पांच घावों से निकले, पवित्र लहू से हमें बचा लिया। प्रभु, हम में कोई खूबी नहीं थी, फिर भी आपने अपनी बाहों में लेकर हमें प्यार किया। अपने आश्चर्य कार्यों के द्वारा हम एक दिन हम सभी के जीवन को बदलते रहते हैं। प्रभु जी, हम सभी आपके सामने आए हैं ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें, आपकी इस उपस्थिति को महसूस कर सकें अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने परिवारों के सदस्यों में, अपनी पल्ली में, अपने इस धर्म प्रांत में, अपने इस राष्ट्र में, आपको हर एक दिन इसी प्रकार याद कर सकें, आपके हर कार्यों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें। प्यारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सभी कठोर हृदयों, क्रोधित हृदयों, व्यभिचारी हृदयों, गंदी सोच, पति पत्नी के बीच अपवित्र संबंध, युवक और युवतियों का अश्लीलता भरा जीवन, अन्य देवी देवताओं को अपने परिवारों का, अपने दिलों का राजा बनाना एवं अन्य सतानी आदतों के होते हुए भी आप हम सभी को क्षमा करते हैं, हमारे हृदयों को नया बनाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने अपनी माँ से यह कहा, देखना माँ, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। और सचमुच प्रभु जी, आपने अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सभी को नवीन कर दिया है, हमारे सभी के पापों को आपने धो दिया है, ताकि हम आपके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम सभी की दुर्बलताओं और अपराधों को क्षमा करके आप हमें आत्मा की गहराई के पास लाते हैं और अपनी दया एवं करुणा के साथ हम सभी को संभालते हैं। अभी हम एक और गीत के द्वारा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की वंदना करें, क्योंकि अभी प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के सामने उसी प्रकार सम्मिलित हैं जिस प्रकार उन्होंने गेत्सेमनी बाग में उपस्थित थे, उसी प्रकार आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वही गेत्सेमनी बाग जहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके साथ प्रार्थना में शामिल नहीं हुए, आज हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति में नहीं रहना चाहते हैं। हम इस सांसारिक जीवन को अपनाना चाहते हैं, इस संसार की हर एक बुराई को अपनाना चाहते हैं, इस संसार की हर एक परेशानियों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को तब भी प्यार करते हैं और हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, जिस प्रकार उन्होंने उन शिष्यों को इसलिए नहीं डांटा, इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह नींद ले रहे थे। वह चाहते थे कि आज के बाद उनके शिष्य अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे भी यही चाहते हैं, हमारे लिए भी वही जीवन देते हैं कि हम भी किसी परेशानी में ना पड़े। आज हम सभी, पूरी संसार, हमारी कलीसिया,
जिस बीमारी से जूझ रही है, इस बीमारी से निकालने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं, क्योंकि वह इस घड़ी हमारा विश्वास देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके सिवा इस संसार का कोई भी पत्ता हिलता नहीं है। वह हम सभी में प्राणवायु फूंकते हैं, इसलिए हम सभी एक मधुर गीत के द्वारा उनकी वंदना करें। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे प्रभु जी जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे प्रभु जी जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, मैं हूँ निर्बल मानव पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्मल मानव पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी भव सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी भव सागर में खोया, वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते thank and praise and glorify you for bringing us together in this hour of your agony. Lord Jesus, as we all are sinful, weak human beings, we have fallen so many times, but you are there with us, telling, giving us your hand and lifting us up. Help each one of us, Jesus, this moment of trial, difficulties, sickness, virus, making each one of us aware that you are there with us till the end of time. You are there all the time with us. Lord Jesus, guide us,
direct us and lead us to God, our living Father, whom we love so much. Bless each one of us, grant us good health, peace of mind, that what the whole world is looking for at this hour. And no material happiness, no pleasures, only you, your love, is giving us that peace which is required in this darkest moment of our life. Be with us all the time, Lord Jesus. Bless each and every family members of us. Bless the whole world who is looking and longing for your love, for your peace, for your forgiveness. Above all, your healing touch the whole world. Lord Jesus, we are present before you so that you may take care of all our needs, all our sickness, all our desires, heal them and make us anew, as you promised to your mother, a new creation, a creation which will be loving God, loving its people, and most important is doing His will, doing God's will in our day-to-day life. What you have learned from this sickness is that you are there in the darkest moments of us, where no world, no people, no one is helping except you, taking care of our needs, taking care of our sickness, forgiving each one of us and healing us with the precious blood which you have poured for us. प्रभु, हम इस समय अपनी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, हमें अपना योग्य बनाइए, क्योंकि आपने हमसे बहुत प्यार किया है, और आज इस समय हम सभी के कारण आप अपने प्राणों की बलि देने वाले हैं। हमारे सच्चे मित्र बनकर हमारा साथ देने वाले हैं। हम सभी के जीवन को अपने जीवन में समर्पित करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। कितनी बार अर्थात रोज रोज और सुबह से अब तक हमने आपको क्रूस पर चढ़ाया है और चढ़ाते रहते हैं, आपको दुखित करते हैं, फिर भी आप हमें हमेशा गले लगाते हैं और हमारे जीवन के अंत तक साथ देने का वादा करते हैं। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हम सभी अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें। हम इस महामारी से ना डरें, बल्कि अपने कर्मों को उनके अनुसार व्यतीत करें, ताकि हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा इस महामारी से बच सकें। इस कोरोना वायरस को हम अपने परिवारों के बीच से, अपने समाज के बीच से, अपने पल्ली के बीच से, अपने राष्ट्र के बीच से और इस संसार से हम दूर भगा सकें। वचन कहता है, यदि तुम प्रभु यीशु क्रिस्त को प्यार करोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, संत योहन के अध्याय 14 में हम देखते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं, न्याय के दिन राजाओं के राजा यीशु मसीह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमें उन्हें अपने कार्यों का हिसाब देना होगा। क्या हम अनंत काल तक उनकी प्रजा बनना चाहते हैं? हम सभी अपने राजा की उपस्थिति के द्वारा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए हैं। वही पवित्र आत्मा
जिन्होंने हमारे राजा को स्वर्ग का राज प्रदान किया, वही पवित्र आत्मा जिन्होंने हम सभी को यहाँ एकत्रित किया कि हम यहाँ आकर अपने प्रभु के साथ कुछ समय व्यतीत करें। हम एक और गीत के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के बीच में, हमारे बीच में, हमारे परिवारों के बीच में, हमारे इस पल्ली के बीच में पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं को उनके सम्मुख रखें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा गुरु। सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त, आप सत्य हैं, क्योंकि आपने हम सभी को अपने जीवन को बताया है। आपने इस जीवन की सत्यता को अपनी मृत्यु के माध्यम से बताया है। यदि हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और यही इस जीवन की सत्यता है। आप जीवन हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई भी स्वर्ग जाना चाहता है, पिता के पास जाना चाहता है, तो वह आपके बगैर नहीं जा सकता। उन्हें आपके जीवन से होकर जाना है। आपने जो अपने जीवन में कठिनाइयां महसूस की हैं, जो अपने जीवन में कष्ट झेले हैं, जो अपने जीवन में आपने अपने शरीर में कोड़े सहे हैं, अपने सिरों में कांटों का मुकुट रखा है, उसी प्रकार हम सभी को भी अपने अपने जीवन में इन कष्टों को अपनाना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने कंधों पर भारी क्रूस ढोया है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्रूस ढोना है। तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के जीवन में महान कार्य किए हैं, और हम सभी का यह दायित्व है कि हम उन कार्यों के लिए उनको हृदय से धन्यवाद दें। हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु क्रिस्त को, इस पवित्र आत्मा को अपने बीच में महसूस कर पा रहे हैं। सभी के मन, वचन, सोच, विचार को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने नया बना दिया है। हम सभी को वह मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में हुए हर एक अच्छे कार्यों के लिए उनको धन्यवाद दे सकें। हमारा अनुवाक्य है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा, हमारे शहर के, हमारे राज्य के और हमारे राष्ट्र के अधिकारियों और नेताओं को मार्गदर्शन दीजिए, ताकि वे ईश्वर की इच्छा को समझें, जिससे सारी मानव जाति एक हो जाए और उनका सम्मान कर सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा, हमारे कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, विशेषकर हमारी इस पल्ली के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म भाइयों को, सभी को प्रेम के सूत्र में बांध दो, जिससे सभी का एक ही झुंड हो और उनका राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हो, क्योंकि वे राजाओं के राजा हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा, हमारे धर्म प्रांत में धर्मियों एवं पुरोहितों की संख्या बढ़ाइए, हमारे धर्माध्यक्षों, हमारे पुरोहितों को आशीष दीजिए, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों के परिवारों के बच्चों की बुलाहट को पहचान सकें और उन्हें एक पवित्र पुरोहित, पवित्र धर्म बहन बनने में उनका मार्गदर्शन कर सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा, आज जितना भी समय हमने आपके माध्यम से प्रभु यीशु क्राइस्ट के शरीर के सामने व्यतीत किया है, हम सभी की यही प्रार्थना है, हमारी कलीसिया की यही प्रार्थना है, कि इस संसार में फैली इस महामारी को, कोरोना वायरस को, आप हमारे परिवारों के बीच से, हमारे इस पल्ली के बीच से, हमारे राष्ट्र के बीच से, हमारे संसार के बीच से निकाल दीजिए, भगा दीजिए, ताकि हम सभी सुख और शांति में निवास कर सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा, इस कोरोना वायरस के दौरान संसार भर में हमारे जो पुरोहितों की मृत्यु हुई है, आप उनकी आत्मा को शांति दीजिए, निश्चय ही वे आपके राज्य में प्रवेश पा चुके हैं। हमारे संसार के अन्य सभी पुरोहितों को हम आपके चरणों में लाते हैं, कि आप इन सभी को अच्छा स्वास्थ्य लाभ दीजिए, ताकि जिन कार्यों के लिए आपने उन्हें नियुक्त किया है, वे अपने जीवन में उन कार्यों को कर सकें और हम जैसे अविश्वासी भेड़ों को विश्वासी बना सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हमने मिलकर आपके अंतिम भोज के माध्यम द्वारा जो कुछ भी समय बिताया है और साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन प्राप्त किया है, तो हम निश्चय करते हुए
अपने जीवन के रहस्यों को समझें एवं अपने राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीवन दे सकें। हे अति पवित्र आत्मा, हमारे इस पल्ली सेंट इग्नेशियस के सभी लोगों को प्रेम के सूत्र में बांध दो, जिससे सभी का एक ही झुंड हो और सभी मिलकर सभी पल्ली पुरोहितों के साथ अपने सभी लोगों के साथ सेवा भाव में लगे रहें और सेवा के माध्यम से कार्य कर सकें। हम सभी यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त, जिस प्रकार आपने इस कलीसिया के लिए संस्कारों को स्थापित किया था, आज के दिन हम इन संस्कारों को अपने परिवारों में मजबूती प्रदान कर सकें, ताकि हम निश्चय ही कह सकते हैं कि आपने जिस मूल्य से हमें खरीदा है, हम उस मूल्य का बदला देना चाहते हैं। प्रभु जी, हमने जो भी समय आपके साथ व्यतीत किया है, अपने पुरोहित की उपस्थिति में जो समय हमने व्यतीत किया है, आप हमारे पुरोहित, इस पल्ली के पुरोहित जेसु एंथोनी, इस पल्ली के पुरोहित जेराल सेल्डाना, इस पल्ली के पुरोहित आनंद गायकवाड़, उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि इसी प्रकार वह हम सभी कलीसिया के लोगों को आपके मार्ग की तरह ले जा सकें, ताकि हम सभी के विश्वास के माध्यम से निश्चय ही हम इस पल्ली से, इस शहर से, इस राष्ट्र से, इस कोरोना जैसे वायरस को और उससे अधिक खतरनाक वायरस को भगा सकें। रोता है सारा जहां, प्यारे मसीहा कहां, आवाज देते तुझे धरती गगन आसमां। रोता है सारा जहां, प्यारे मसीहा कहां, आवाज देते तुझे धरती गगन आसमां। रोता है सारा जहां, तूने सबके पापों के कारण क्रूस का बोझ उठाया, मृत्यु के खातिर इस दुनिया में अपना लहू भी बहाया। तूने सबके पापों के कारण क्रूस का बोझ उठाया, मृत्यु के खातिर इस दुनिया में अपना लहू भी बहाया। भूलेंगे हम ना कभी कैसा है तेरा इंतहा, आवाज देते तुझे धरती गगन आसमां। रोता है सारा जहां, रोता है सारा जहां, रोता है सारा जहां। पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।